आपने मकान गाड़ियों की बोली लगते तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी अनाज की बोली लगते हुए सुना है? जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की, जहाँ पर घर गाड़ी बंगले की नहीं बल्कि अनाज की बोली लगाकर दान देने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है बुलढाणा जिले के नायगांव दत्तापुर गांव का, जहां हनुमान मंदिर में 170 साल से पुरानी परंपरा निभाई जा रही है। आपको बता दें कि ये परंपरा सालों पहले से आषाढ़ी एकादशी के शुरू होकर गणेश विसर्जन तक चलती है। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश उत्सव में प्रसाद के रूप में ग्रामीण अनाज इकट्ठा करते हैं, उस अनाज से प्रसाद तैयार किया जाता है, इस प्रसाद को गांववासी को वितरित किया जाता है। इसके बाद जो खाद्य सामग्री बचती है उसे ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर लेते हैं। वहीं इस साल आषाढ़ी एकादशी को भी बोली लगाई गई, जिसमें नमक को सुधाकर शेलकेने ने 12,200 में खरीदा। वहीं ऐसे कई अनाज हैं जो ज्यादा दामों में खरीदे गए। एक विषय 20 रुपए